भाई साहब ब्लॉगिंग चालू कर दी है फिर से। मतलब कितनी बार करी है भाई फिर से? हर बार फिर से होती है। सो बाय द वे मैं रेगुलर हूँ भाई, एवरी ट्यूसडे ब्लॉग ऑन शिवम मेनिया। पता नहीं देखते हैं कब तक। आज ट्यूसडे है, आज ब्लॉग शूट भी हो रहा है भाई का। कांट बिलीव भाई सुबह 6 बजे से आए हुए हैं। मतलब आज का तो दिन अलग ही है पिके भाई। देखो लोंडे को देखो, राइडर चमचमाती। तो आज का ब्लॉग अपने इसके ऊपर हो रहा है। जी आज का ब्लॉग होने वाला है अपनी जो गाड़ी है टेंटोक, उसमें जो मुझे इशू आ रहे हैं इतने 40,000 किलोमीटर चलाने के बाद, मतलब हद से ज़्यादा वाले आ रहे हैं, तो आज उसी पे अपना डिस्कशन होने वाला है। तो वीडियो बनाने के लिए मदद के लिए अपने साथ में आए हुए हैं भाई साहब जी से। हाय हाय, आपसे नहीं बोला, आपसे बोला। तो भाई इनका भी चैनल है, ये भी ब्लॉग व्लॉग कर रहे हैं, आ गए हैं हमारे लिए। तो धन्यवाद भाई आपका, ज़्यादा ऑडियंस आ जाएगी भाई, चाय वाय पूरा चैनल क्रैश क्रैश ना हो जाए। तो ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो करते हैं स्टार्ट राजा भोज के साथ। तो भाई साहब नो डाउट इंटोक बहुत ही ज़्यादा अच्छी गाड़ी है, तभी तो मैंने ली है, जाहिर सी बात, नहीं तो क्यों रहता मैं। तो इंटोक से मुझे कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ मेजर इशू, शायद ये मेरे पर्टिकुलर मेरे ही मॉडल में कुछ इशूज़ हैं जो कि मुझे जब से गाड़ी ली है ना, जब से परेशान हो रहा हूँ मैं। एक वीडियो मैंने इस पर बनाया भी है, लेकिन फिर से मैं इस पर बताना चाहता हूँ। देखो भाई, परफॉर्मेंस के मैटर में गाड़ी को कोई हरा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं है। जिसके पास इंटोक है वो जानता है कि भाई इंटोक की परफॉर्मेंस क्या है और क्या नहीं है। तो इसकी पहली प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहला मेजर इशू जो कि मुझे लगता है ये वाला, अपना ब्रेक का, जो कि इसका पिछला जो ब्रेक है ना, इसका ब्रेक शू हर महीने तुम्हें बदलाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इजीली चला जाता है इसका। मतलब अभी ये जो है ना बिल्कुल फ्री है, मतलब ये लग नहीं रहा है इसका। मतलब हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लाइफ यही है कि एक महीने टिकेगा, एक महीने से ज़्यादा नहीं चलता ये। तो इसको ये एक मेजर खर्चा है जो कि बार बार अपने को कराना पड़ता है। एंड इसके अलावा ये देख रहे हो क्या हालत हो गई है इसकी, तो मैंने बहुत बार बेल्ट भी करा लिया, लेकिन अब मुझे ये चेंज ही कराना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हालत अब इससे कब तक काम चलाऊंगा, अजीब भी लगता है, गंदा भी लगता है। सेकंड थिंग, इसका जो अपना एयर फिल्टर है ना, उसे जो मैं महीने डेढ़ महीने में बार बार साफ कराते रहना पड़ेगा, क्योंकि एयर फिल्टर में साफ नहीं कराते तो अपन एक अजीब सी आवाज़ करने लगता है, कुरकुर टाइप की, जो कि बहुत इरीटेटिंग होती है। जब भी अपन गाड़ी स्टार्ट करके शुरू में जब भी अपन थोड़ा आगे बढ़ाते तो एक बहुत बेकार सा साउंड आता है, जो कि समझ ही नहीं आता कि मतलब पूछो मत। तो ये एक अलग चीज़ है, और इसके सफाई में भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। एंड अदर थिंग कि ये अंदर से एक अजीब सी आवाज़ और कर रही है, उसके अलावा भी एक और आवाज़ आ रही है, एक अजीब सी आवाज़ आ रही है, शायद चेन स्पार्किट की है, तो वो भी अपना काम है। एंड मडगार्ड इसका, एक्सीडेंट के बाद से मडगार्ड इसका जो टूटा है ना, कंपनी में आया ही नहीं है भाई अभी तक, मतलब मिल ही नहीं रहा है मुझे, तो इसका मडगार्ड भी चेंज होना है। और इक्के दुक्के दो चार इशूज़ हैं, बोगी माइनर से हैं, लेकिन इसमें अभी बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च। और भाई एक और प्रॉब्लम यह है कि साला अभी ये मेरा जो कांच टेढ़ा हुआ है, जब से ये सीधा हो ही नहीं पा रहा है भाई, देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा हूँ मैं, ये सबसे ज़्यादा इरीटेट कर रहा है। अभी बंदे की पेंट फट जाती उतरते वक्त ही, अभी बंदे की ब्लॉगिंग चल रही है। और भाई और तो गाड़ी में कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी तो भागती हैं ऐसी है, मतलब मुझे जहाँ पे 10 मिनट में पहुँचना होता है वहाँ पे मैं 5 मिनट में पहुँच जाता हूँ, तो मतलब मेरा 50% टाइम सेव करती है गाड़ी, बहुत ज़्यादा भागती है। और काम में इसमें अभी इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि कुछ लॉन्ग ट्रिप्स अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, पचमढ़ी लद्दाख, कैसे क्या बोल रहा हूँ भाई, नहीं हाँ भाई जाएंगे हम लोग अभी, तो वो भी हो सकता है इसी गाड़ी से जाऊँ, इसीलिए सर्विस करा रहा हूँ। ठीक है अमन भाई, देखो रियलिस्टिकली ये लोग कर रहे हैं, देख रहा हूँ टॉप पे हैं, तुम्हें जाना है? जाना भैया अभी जा सकता हूँ। कहाँ? और पैसा भाई, अंदर पैसा है, इतना अंदर है कि दिख ही नहीं रहा उसको। गाइस दिस इज ताज, ये ताज के ओनर मिस्टर बम्बानी। टोर की प्रॉब्लम बाय अमन मेनिया। हाँ पर्टिकुलर मेरे मॉडल में हो सकती है, लेकिन
ये तो मुझे परमानेंट कराना पड़ता है। एयर फिल्टर इसका भाई साफ कराते रहना पड़ता है, क्योंकि एयर फिल्टर साफ ना कराओ तो कुरकुर की आवाज करने लग जाती है, तो मजे नहीं आते। काहे की कुरकुर की पूरा पोर्शन ये भाई इसकी गाड़ी पे पीछे बैठो तो पैंट फटने के रिस्क रहते हैं। और देख रहे हो कैसे गरीबी जैसा झुका झोपड़ा ये। अभी मेरा पैंट फटते फटते बच गया इसकी वजह से। ये देखो बेहतरीन चीज है भाई, मतलब पीछे जो भी बैठेगा उसका पैंट तुम सुरक्षित नहीं छोड़ो। और मेरे